नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत खैर मकदम है। वेस्ट यूपी से एक बड़ी खबर आ रही है। मोटिवेशनल थॉट के जरिए हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाने वाले दो मौलानों को यूपी एटीएस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। इस खबर को आपके साथ साझा करने से पहले मैं एक छोटी सी आपसे बात शेयर करना चाहती हूँ। हाल ही में फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का निधन हुआ है। मिल्खा सिंह से जुड़ी हुई खबरों के लिए कंटेंट तैयार करने के दौरान मैंने मिल्खा सिंह का एक इंटरव्यू देखा और उसमें वो उस पल का जिक्र कर रहे हैं, उस घड़ी का जिक्र कर रहे हैं जिस पल में उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने पिता को कत्ल होते देखा। उनके पिता को वहीं के मुस्लिम लोगों ने इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। ये घटना देखिए उस समय की है जब हर व्यक्ति के, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सभी के दिमाग उस समय पलटे हुए थे। लोगों के मन में, दिमाग में एक जुनून सा सवार था, इसलिए ये सब घटनाएं उस समय हुई। और ये केवल मिल्खा सिंह के पिता की ही बात नहीं है, हजारों हजार हिंदू और सिखों को कत्ल कर दिया गया था केवल और केवल इसीलिए। लेकिन अब देश में आए दिन इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, जबरन धर्म कबूल करवा लिया जाता है, बड़ा अफसोस होता है। धर्म दिल में होता है, जबरन कबूल करवाया धर्म तो क्या करवाया है। एक और बात, खून का कोई धर्म नहीं होता, फिर भी जबरन धर्म को कबूल करवाया जाता है। बिना धर्म परिवर्तन करवाए भी एक मुस्लिम दोस्त अपने हिंदू दोस्त के लिए अपना खून दे देता है जब उसे ज़रूरत होती है, और ऐसा ही बहुत सारे हिंदू भाई भी करते हैं। ज़रूरत पड़ने पे अपना सब कुछ लुटा देते हैं अपने मुस्लिम भाई पे। तो फिर ऐसी घटनाएं क्यों सुर्खियां बनती हैं? चलिए अब जो एक मेन खबर है मैं उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोटिवेशनल थॉट के जरिए हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने वाले दो मौलानों को यूपी एटीएस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। एटीएस टीम करीब 4 दिन से इनसे पूछताछ कर रही थी और सबूत जुटा रही थी, और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इन्हें फंडिंग भी कर रही थी। पकड़े गए मौलाना जहांगीर और उमर गौतम लखनऊ के एक बड़े मुस्लिम संस्थान से जुड़े हुए हैं। एटीएस के जो ऑफिसर हैं उनके मुताबिक ये गरीब हिंदुओं को अपना निशाना बनाते थे। अभी तक जैसी कि इनपुट मिल रहा है, लगभग 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन ये करवा चुके हैं ये दो लोग। इनमें बड़ी संख्या में वो लोग हैं जो महिलाएं हैं और जो मूक और बधिर हैं, बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। रामपुर के एक गांव में दो हिंदू बच्चों का जबरन खतना करवा करके उनका धर्मांतरण करवाने में भी एक मौलाना का हाथ सामने आया है। और दोनों वेस्ट यूपी के रहने वाले हैं। इन्हें विदेश से संचालित एक मुस्लिम संगठन फंडिंग कर रहा था, एटीएस को उसके बारे में पूरी जानकारी थी। और दोनों मौलाना दावा इस्लामिक सेंटर के नाम से एक संस्था चलाते हैं। 3 जून को दिल्ली के डासरा मंदिर में दो मुस्लिम लड़कों ने पुजारी पे हमले का प्रयास किया। दोनों को जब पकड़ा गया तब मौलाना उमर और जहांगीर के बारे में जानकारी मिलती है। ये मौलाना नोएडा डेफ सोसाइटी में संचालित मूक बधिर स्कूल के छात्र छात्राओं को बरगला करके, प्रलोभन दे करके धर्म परिवर्तन करवा चुके हैं, ऐसा बताया गया है। धर्म परिवर्तन 1000 महिलाओं की सूची, जिनका धर्म परिवर्तन किया गया है उनकी सूची मिली है। कानपुर, बनारस, नोएडा के तमाम बच्चों और महिलाओं का धर्म परिवर्तन करवा चुके हैं ये। और कानपुर के एक बच्चे को साउथ के किसी
शहर में ले जाया गया है उसके बारे में भी एसटीएफ अभी पता लगा रही है। ये दोस्तों खबर बहुत छोटी सी है लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट जो है बहुत खतरनाक हैं। ऐसी घटनाएं राजनीतिक जमीन को भले ही फर्टाइल करें लेकिन आपसी प्यार और सौहार्द जो होता है उसको ये बहुत खोखला कर देती है। ये सब यही नहीं रुकेगा, इससे जुड़े सभी अपडेट मैं आपसे साझा करती रहूँगी और आप जुड़े रहिए एमबी स्पीक के साथ और देखिए अपनी कीमती राय जो है वो मेरे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना छोड़े। और मैं फिर मिलती हूँ आपके साथ किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।